फिर करेंगे बात। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ब्राउनी बनाया था, शाम के मेनू में है और ग्रीन सैंडविच पके घर आ चुके हैं फाइनली। गुड मॉर्निंग, जैसे रचना के हिसाब से आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू आवर व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह बारिश चालू हो चुकी है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। वर्षा आ रही, अभी वो सामने वाली लड़की मुझे बोलने आई कि वर्षा बारिश आ रही है। मम्मी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, देखो मस्त सो गए अभी। पापा तैर भी नहीं गए हैं, आज पाई डो है तो आज दोपहर का खाना भी नहीं बनाना है, तो मैं जल्दी से काम भी फिनिश कर देती हूँ। बाद पर फिर मेरा मिल्क भी मुझे पीना है, ये भी मम्मी ने रेडी कर दिए हैं। जल्दी से मैं अच्छा लगा देती हूँ, फिर करेंगे बात। अभी मेरा मिल्क भी ठंडा हो चुका है, मैं जल्दी से भी पी लेती हूँ। और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई क्योंकि कल हमने ब्राउनी बनाई थी, तो कल का व्लॉग मैंने नहीं लिया था तो इसलिए बताना ही रह गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी बची थी ये देखो, मस्त ब्राउनी बनाई थी मैंने, स्पॉन्जी करके दिखाती हूँ। तो हमने इतनी सारी बची हुई थी तो हमने यही कंटेनर में रख दी जो जिसमें बनाई थी। अभी खुशबू भी मस्त आ रही है, स्मेल तो, अभी सुबह सुबह तो ये स्वीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ले लूँगी, लेकिन 11 बजे अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा मन हल्का करके ये रख देती हूँ थोड़ा साइड में। तो अभी ये मिल्क पीने का टाइम है, तो चलो जल्दी से मिल्क पी लेती है, फिर ऊपर के फ्लोर में जाते हैं। वहाँ पर क्या अभी बहुत सारा काम है, सब अपने अपनी जगह पे करना है क्योंकि अभी ये मौसम में कपड़े भी जल्दी से नहीं सूखते, तो रात को इधर उधर करना पड़ता है। पापा है नहीं तो मम्मी ने बोला कि गवार की सब्जी और रोटी बना देते हैं, दाल भात नहीं बनाते, तो अभी मैंने ये गवार मैंने संभाल लिया है। 11 बजे तक थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बाद में रसोई में जाऊंगी क्योंकि आज कोई टेंशन है नहीं। पापा को खाना नहीं था, वो खा के आए, तो इसलिए हम लोग लंच में आज रोटी और गवार की सब्जी बनाई है। मम्मी तो खाने ही लगे, सिर्फ आज दाल राइस नहीं है। अभी आराम करने का टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है, तो अभी 1-2 घंटे आराम कर लेते हैं। बाद में मुझे आयन भी करनी है पापा और गोपाल के शर्ट्स की, तो चलो भाई रेडी हो जाओ आज फिर से आयन करने के लिए। हम लोग जा रहे थे बाहर और इतने में सोडा का कंटेनर आ गया, महीने में एक बार आ जाता है, पूरा महीना भी नहीं लगता। अभी हम लोग तीनों लोग होके पूरा को फिनिश कर देते हैं, तो अभी हम तीनों मिलके मतलब मैं पापा और गोपाल, हमें पूरा महीना भी नहीं लगता, हम लोग फिनिश कर देते हैं मॉकटेल वगैरह सब बना बना के। तो अभी देखते हैं ये कर्टन कब तक चलता है, सॉरी कार्टून जगह यहाँ पर है तो हम अभी रख देते हैं, थोड़ा टाइम है तो बाहर जाने में। तो अभी मैं घर पर आ गया और आरती ने कल शाम को ब्राउनी बनाया था, तो अभी वो तो ब्लॉग में नहीं लिया था क्योंकि कल ब्लॉग ही नहीं बनाया था, तो आज ब्लॉग बनाए थे। तो अभी मैं ब्राउनी खाने के लिए बैठ चुका हूँ, देखिए मस्त बना चुकी दीदी, मस्त बनाया है, एकदम सॉफ्ट है, देखिए एकदम सॉफ्ट बनाया है। तो अभी ब्राउनी खाने के लिए बैठ चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे आलू और पीच लाया है, कल ला के आए थे हम, तो अभी ये मैडम फ्रूट खा रही है। और शाम को खाने में क्या बनने वाला है, आपको कच्ची सैंडविच खानी है या फिर ग्रिल वाली सैंडविच खानी है? ग्रिल वाली खाएगी, ग्रिल वाली खाएगी, पर वो
ग्रिल वाली वो नहीं, पोटैटो वाली नहीं, वेजिटेबल वाली ग्रिल। तो चलो वो बनाते हैं, मेरी हेल्प करो। हम तो हमको भी काम रहता है, हेल्प करने में मम्मी भी है ना। तबीयत खराब है क्या? कुछ खराब नहीं है। क्यों खराब नहीं है, आप देखो तो सही। वो सोते रहती है ना पूरे दिन, इसलिए थोड़ा क्या अभी ताव आ गया ऐसा बोल रही है। देखिए तो दवाखाने देख जाके आना, जाना है उसके पास। तो अभी बोलेगी नहीं, दवाखाने का नाम ले गया ना तो बोलेगी नहीं। दवाखाने जाने का ही नहीं होता है यहाँ पे। वो उसका नाम क्या है, वीरप्रा के वहाँ जाती है ना, उसके वहाँ बोल रहा हूँ मैं। वेजिटेबल वाली मींस कैसी वेजिटेबल वाली? मैक्सिकन वाली। सब छोटा छोटा पीसेस करके मैक्सिकन। फिर ग्रिल किस में करना है? इसमें ये आपने डाला नीचे लोट, ये नहीं डालना चाहिए, चॉकलेट पाउडर लगाना चाहिए तो उसका टेस्ट आए। इसमें ये इसका टेस्ट आ रहा है गेहूं का। वैसे सब लोग यही लगाते हैं तो हमने ये स्प्रेड किया। तो अभी मस्त बनाई थी कल, तो ये लोग ने सब ने खाया होगा। शाम को तो मैं नहीं था घर पे, ये ने उसने बनाई थम, इसलिए अभी मैं अभी खाने के लिए बैठा हूँ। बाली का फोन आया, मेरी सिस्टर का। तुम जब ब्राउनी बनाओ तब मुझे बुलाना घर पे, या फिर तू यहाँ पर आ जा ब्राउनी बनाने के लिए। तूने दिखाई होगी इसलिए। मैंने फैमिली में फोटो डाला था इसलिए। तो अभी आज मेनू शाम के मेनू में है ग्रिल सैंडविच, मतलब मैक्सिकन सैंडविच। तो अभी आज गोपाल ने प्रॉपरली बोला है कि मुझे मैक्सिकन सैंडविच खानी है, तो इसलिए यहाँ पर ये कट कर दिया है कैरेट्स, कैप्सिकम एंड कॉबिज। तो अभी देखते हैं आगे कितनी देर लगती है, क्योंकि अभी बच गए हैं 6:30। मम्मी के लिए तो बताना भूल ही गई, मम्मी के लिए तो अभी वहाँ और रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो वैसे भी ब्रेड खाते नहीं है। तो रोटी की जगह मैं उसको ब्रेड भी पौवा फ्राई कर देती हूँ पौवा। तो अभी लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं पौवा बनाने। पर मम्मी को पोहे बना दिए हैं मैंने। कैसी तबीयत है अब आपकी? माथे दुखे छो? स्पाइसी बने? चलो अभी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, खा लेंगे। तो अभी मैं काम काज फिनिश करके घर पे आया, और घर पे देखते हैं क्या बन रहा है। लगता है सैंडविच, ग्रिल सैंडविच बनने वाली है। तो बात तो मास्टर शेफ आरती मैडम जी, देखो ये प्रॉपर एपरेट करके भी बना रही है, देखिए प्रॉपर तरीके से ग्रिल सैंडविच। तो आप तो ग्रिल सैंडविच खाने को मिलेगा बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ पे वेजिटेबल का क्रश कर दिया है, वो पनीर का सब स्टफिंग के लिए। तो अभी ट्रायंगल वाला ब्रेड लाया मैं, लेके आया था अभी। चीज़ तो एक सब में डालना भूल के चले गया। कहाँ सब में? अभी डाल देना खोल के फटाफट से ऊपर से वो वाला। कैसे पकड़ो? ऐसे पकड़ के डाल देना थोड़ा, नहीं तो बाहर निकल के डाल देने। देखिए चीज़ डालना भूल गई है, तो ये अभी खोल दिया। वो वाला डाल देना। तो अभी चीज़ डालना भूल गई है तो ऊपर से डाल रही है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट? इसमें है कैबेज, कैप्सिकम, पनीर, ऑनियन, कैरेट्स और हरा मिर्च, पेपरिका और हर्ब्स, वो सब डाला है। और सॉल्ट डाला है और ब्लैक पेपर डाला है, और स्वाद अनुसार सॉल्ट डाला है। देखिए अभी चीज़ भी डाल दिया है ऊपर से, और फ्राई हो जाए ना बाद में ऊपर से डाल देने का, अंदर कम डाला है तो।
ऊपर से डाल दे रही तो भी चलता है। तो अभी अब तो सैंडविच का प्रोग्राम है, बढ़िया से खाएंगे स्पेशल आरती के हाथ से बनाया हुआ। वैसे तो उसको फाइनली हमारी सैंडविच बैकों के बाहर आ गई है, देखिए कटिंग भी कर दिए मस्त। तो अभी चीज़ बीज डाल के पापा को खाने के लिए दे देते दे। और मैडम जी बना रही है तो मैं अभी काम कर रहा हूँ थोड़ा, और मम्मी को तबीयत बिगड़ गई है, ताव आ गया है, तो वो आराम पे है अभी, इसलिए थोड़ी आरती को मैं हेल्प करा रहा हूँ अभी किचन में। और देखिए मम्मी सो रही है, देखिए उसकी तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए बोला तो सही, वो उसने नहीं आना है तो क्या करूँ, हॉस्पिटल का बोला तो उसको नहीं आना है। तो अभी चलो अभी इस पे ऊपर चीज़ बीज डाल के पापा को दे के आता हूँ, नहीं तो गर्म है अभी, गर्मा गर्म है तो खा ले बाद में कर। अभी थोड़ा खाना पीना बन चुका है, तो ज़्यादा बन चुका है तो फटाफट से मैं बैठ जाता हूँ खाने के लिए। देखिए मस्त खाना, मेरे को चीज़ नहीं डालना था तो मैंने ऐसे ही ले लिया। तो अभी खाते हैं, और आरती अभी थोड़ा बना रही है, बाद में वो भी खाने बैठेगी तो अभी मैं खाता हूँ, बाद में वो खाएगी। तो अभी फाइनली मेरा टर्न आ चुका है, तो अभी मैं खाने के लिए बैठ चुकी हूँ और मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। हम लोगों ने अभी ही डिसाइड किया कि हम मेरे पापा के घर जाते हैं, इसलिए मैंने उसके लिए अभी पार्सल बना दिया है। हेमांगी और तृषा को पसंद है ये सब, तो इसीलिए मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। हम लोग मेरे पापा के घर आ चुके हैं फाइनली बहुत दिनों के बाद। अभी हेमांगी के श्रीमत में आए थे तो 15 दिन हो चुका है, तो अभी हम आ गए हैं फाइनली भाई। तो अभी यहाँ पर देखो कितने लोग ये सब सीरियस बैठ गए हैं, क्यों इतना सीरियस हो गए हो सब लोग? कितने थक गए है ऐसा लग रहा है सब, मेरी आने की खुशी नहीं है सबको ऐसा लग रहा है अभी तो थोड़ी। मेरी भाभी को ही सिर्फ खुशी। तो अभी रात के बज के 11:30 और हम लोग पापा के घर से निकल चुके हैं फाइनली। तो अभी चलो घर पहुंचते पहुंचते अभी 12 भी बज जाएंगे। तो अभी गोपाल के पेट में कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने आज सैंडविच ही खाया था, लेकिन अभी उसको भी जाते हैं घर की तरफ। क्यों, क्या हुआ आपको? गड़बड़ हो गई पेट में। क्या खाया था? अभी तो सैंडविच खाया, दूसरा कुछ नहीं खाया आज तो। तो कुछ खाना नहीं है आपको अभी? अभी तो देखते हैं रास्ते में कुछ खाते कि नहीं खाते। मैंने बोला था ना आपको, वो यही बोलेंगे कि मुझे खमन खाना है। हम लोग घर आ चुके हैं, 12:15 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो गोपाल को अभी खमन खाना था, लेकिन अभी मैंने ना बोला क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो रात में थोड़ा सा नहीं खाना चाहिए। डबल सीजन हो चुकी है अभी, ताव वगैरह सबका अभी चल रहा है थोड़ा। तो अभी मेरा व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, तो मेरी चैनल लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार करो। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।